Лекин сразу же так, чтобы видеть там номер. Зарки ты помчата хэ. Джаб харф ки махан, уч парампарай, хазару саал ки санскритик вирасат, वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर के जीने वाली महान परंपरा, उसे आज के 26 नवंबर के दिन मुंबई में आतंकवादी मंसूबों ने छलनी करने का प्रयास किया था। मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूं। सात वर्ष पहले इसी सेंटर हॉल में कितनी ही पवित्र आवाजों की गूंज थी। संविधान के एक एक अनुच्छेद पर बारीकी से गहन चर्चा हुई, पर आए तथ्य आए, विचार आए, आस्था की चर्चा हुई, विश्वास की चर्चा हुई, सपनों की चर्चा हुई, संकल्पों की चर्चा हुई। इस प्रकार से ये सदन, ये जगह ज्ञान का महाकुंभ था, और जहां पर भारत के हर कोने से सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य पुपलानी जी, मौलाना आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुचिता कृपलानी जी, हंसा मेहता, एलडी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, जॉन मथाई, अनगिनत ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान देकर के हमें इस महान विरासत हमारे हाथों में सुपुर्द की है। आज के इस अवसर पर मैं उस समाज सभी महान विभूतियों को स्मरण करता हूं और उनका आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज अपनी बात की शुरुआत मैं आप सभी बाबा साहब अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 संविधान अंगीकार करने के एक दिन पूर्व अपने आखिरी भाषण में जो बातें कही थी उसका जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। बाबा साहब ने देश को याद दिलाया था कि भारत पहली बार 1947 में आजाद हुआ है, या फिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, ऐसा नहीं है। भारत पहले भी आजाद था और हमारे यहां अनेक रिपब्लिक भी थे, और उन्होंने आज वह जगह में, लेकिन अपनी ही बच्चों से हमने अतीत में आजादी भी खोई है और रिपब्लिक कैरेक्टर भी बनाया है। ऐसे में बाबा साहब ने देश को चेताते हुए पूछा कि हमें आजादी भी मिल गई, गणतंत्र भी हो गए, लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं? क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं? आज अगर बाबा साहब होते तो उनसे अधिक